मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शीट मेटल के बारे में जाना था कि शीट मेटल कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कल स्टार्ट किया मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स कौन से टूल है, यानी कि टूल्स ऑफ शीट मेटल शॉप में कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो हम लोगों ने टूल्स ऑफ शीट मेटल शॉप में पहले पढ़ा मेजरिंग टूल्स पढ़ा। मेजरिंग टूल्स में मैंने आपको वायर गेज, स्टील रूल, स्टील टेप, इन सब के बारे में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्किंग टूल्स की, मार्किंग टूल्स क्या है, क्या होता है और कौन कौन से मार्किंग टूल्स होते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि मार्किंग टूल क्या होता है। मार्किंग टूल क्या होता है, यानी कि वैसा औजार, वैसा टूल जो किसी भी जॉब पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मार्किंग करने, यानी कि चिन्हन करने के काम में आती है। मार्किंग का मतलब क्या होता है, यानी कि चिन्हन हो जाए। कैसा हो जाए, चिन्हन हो जाए, ठीक है, चिन्हन हो जाए हमारा। अब देखिए, आपको मैंने बता दिया कि मार्किंग टूल क्या करती है, मार्किंग करने के काम में आती है किसी भी जॉब पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो मार्किंग टूल में पहला क्या है हमारा, पहला है डिवाइडर। आपको मैंने डिवाइडर, कंपास और कैलिपर मैं बता चुकी हूँ पहले। अगर जिसने ये सब क्लासेस अटेंड नहीं किया है वो क्या करे, वो क्लास जाके अटेंड करे, ठीक है। आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको आपको अपने चैनल में, ठीक है। तो ये सब मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। डिवाइडर क्या है, देखिए ये जो हमारा टूल है इसी को कहते हैं डिवाइडर, है ना। ये क्या है, इसी ये हमारा डिवाइडर है। आपने इस्तेमाल भी किया होगा ड्राइंग बनाते समय। डिवाइडर जो हमारा होता है, एक हमारा मार्किंग टूल होता है जो क्या करता है, किसी भी जॉब पर मार्क करने के काम में आता है। आपको मैंने बताया था कि जो डिवाइडर होता है एक हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल का मतलब क्या है, यानी कि ये हमारा अप्रत्यक्ष मापी हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जैसे कि ये क्या करता है, ये मेजरमेंट का ट्रांसफर करता है, ठीक है। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, जॉब। हमें क्या करना है, इस जॉब का मेजरमेंट निकालना है डिवाइडर से। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर को खोलेंगे, ठीक है, और इसका माप ले लेंगे। मान लो कि यहां से यहां तक है, मुझे माप निकालना है। मान लो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस लेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसकी दूरी, इसकी जो डिस्टेंस है इसमें भर लेंगे, भर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, स्टील रूल जो हमारा है, स्टील रूल में इस स्केल को, स्टील रूल के ऊपर क्या करेंगे, इस डिवाइडर को रखेंगे, जिससे कि हमें मेजरमेंट, जो भी इसका मेजरमेंट है, जो भी इसका माप, मान लो कि 5 या 6 मिलीमीटर जो भी हो, वो हमारा आ जाएगा। तो जो डिवाइडर है हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये क्या करता है, ये मेजरमेंट का ट्रांसफर भी करता है, यानी कि अप्रत्यक्ष मापी हो जा रहा है, यानी कि इसका इस्तेमाल करने से हमें किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम अगर डिवाइडर की मदद से, ठीक है, डिवाइडर की मदद से इसका मेजरमेंट निकालेंगे, इसका माप निकालेंगे, तो हमें स्टील रूल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार क्या होता है, वैसा औजार होता है जिसका इस्तेमाल करने पर हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट, दूसरे टूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्या होता है, डिवाइडर होता है, लेकिन याद रखिएगा ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल भी होता है, साथ ही साथ ये हमारा मार्किंग टूल भी होता है। यानी कि हम लोग क्या है, डिवाइडर की मदद से किसी भी जॉब पर क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ये जो इसकी जो नुकीली जो पॉइंट है, ठीक है, क्या है, ये इसका जो नुकीला पॉइंट है, इसी नुकीली पॉइंट की मदद से हम किसी भी जॉब पर चिन्हन कर सकते हैं, उस पर मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो डिवाइडर होता है इसका बना होता है, ये हमारा हाई कार्बन स्टील, HCS का मतलब क्या है, हाई कार्बन स्टील, या फिर माइल्ड स्टील का बना होता है। MS का मतलब क्या है, माइल्ड स्टील का बना होता है। और याद रखना, ये जो हमारा होता है, ये हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है, इनडायरेक्ट
मेजरिंग टूल भी होता है और साथ ही साथ मार्किंग टूल भी होता है, ठीक है, दोनों याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, मार्किंग टूल भी हमारा होता है। ये बात हो गई डिवाइडर के बारे में। अगला क्या है, अगला है कंपास। कंपास में बता चुकी है, कंपास को क्या कहते हैं, कंपास। हाँ, एक बात याद रखना, अगर कोई सबको हिंदी ना जानना हो कि डिवाइडर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है विभाजक। क्या होता है, डिवाइडर को हिंदी में कहते हैं विभाजक कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडर की मदद से मान लो कि एक लाइन है, ठीक है, और इसको क्या करना है, इसका विभाजन करना है, इसको विभाजित करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हम मान लो इसे हमें छह पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में, छह पार्ट में डिवाइड करना है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 12 मिलीमीटर की है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडर की मदद से इस 12 मिलीमीटर की लाइन को हम लोग इस डिवाइडर की मदद से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये विभाजन करने के काम भी आता है, यानी किसी भी लाइन को ये विभाजित कर सकता है। तो ये बात किसकी हो गई, डिवाइडर के बारे में। अगला क्या है, अगला है कंपास। कंपास को हिंदी में कहते हैं प्रकार, टाइप वाला प्रकार नहीं, ये हमारा अलग प्रकार होता है, ठीक है। तो क्या है, कंपास के बारे में बात करते हैं। कंपास भी क्या होता है, ये भी हमारा सिंपली हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है। आपने कंपास से देखा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कंपास क्या होता है। ये क्या है, इसे भी कहते हैं कंपास कहते हैं। कंपास में क्या होता है, इसका जो एक सिरा है वो क्या है, नुकीला है, ठीक है। और एक क्या है, इसमें हम लोग पेंसिल की लीड को डालते हैं, पेंसिल की लीड को डालते हैं, जिससे कि जब पेंसिल हमारी इसके अंदर चली जाती है, और इसे हम किसी जॉब पर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग मान लो कि एक जॉब है, किसी जॉब को मान लेते हैं, और इसमें हमें रेडियस बनाना है या फिर कोई सर्किल बनानी है। क्या बनानी है, सर्किल बनानी है, यानी कि एक वृत्त बनाना है। तो हम लोग क्या है, कंपास की मदद से हम इसके ऊपर सर्किल को बना सकते हैं, सर्किल की मार्किंग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये हमारा कंपास होता है, कंपास के बारे में बात हो गई। अब अगला क्या है हमारा, अगला है ट्रेमल। ट्रेमल को हिंदी में ट्रेमल ही कहते हैं, ठीक है, इसका कोई हिंदी में अलग मीनिंग नहीं है, इसी को हिंदी में भी कहते हैं। ट्रेमल क्या होता है, देखिए कंपास की मदद से क्या है, हम लोग कोई सी सर्किल, कोई सर्किल बना सकते हैं, रेडियस लगा सकते, रेडियस बना सकते हैं, चाप बना सकते हैं, आर्क जो होता है, चाप किसे कहते हैं, मान लो कि इसे क्या कहते हैं, चाप कहता है, कहता है ना। लेकिन जब हमें बहुत बड़ी वृत्त बनानी हो, एक बड़ा आर्क बनाना, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कंपास का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कंपास जो होती है वो मैक्सिमम हमें, हमारी क्या है, ज्यादा बड़ी सर्किल तो बनाती है, लेकिन बहुत बड़ी सर्किल नहीं बना सकती है। मान लो कि 300 डायमीटर की एक सर्किल बनानी है, तो उस कंडीशन में हम कंपास का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब बड़ी सर्किल बनानी हो, बड़ा आर्क बनाना हो, तो हम लोग ट्रेमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यही है हमारा ट्रेमल, क्या है, इसी को ट्रेमल कहते हैं। ट्रेमल में क्या होता है, पहले मैं पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि पार्ट्स क्या है। ये है इसका रड, ये पूरा आप देख रहे हो ना, स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये पूरा देख रहे हो, इसे ही कहते हैं रड कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसे कहते हैं, इसे ये भी हेड है, ये भी हेड है, इसे कहते हैं क्लैंप नट। ये क्या है, ये दोनों हमारा क्लैंप नट है। आप एरो के साइड देख सकते हो, दोनों एरो के साइड क्लैंप नट पे जा रहे हैं, ये क्लैंप नट है। ये है पॉइंट, क्या है, ये पॉइंट है, ये यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, कॉलेज चक्र, कॉलेज चक्र, ठीक है, कॉलेज चक्र है। कॉलेज चक्र के अंदर हमारा पॉइंट रहता है, इसे ही कॉलेज चक्र कहते हैं। ये है लॉकिंग नट है, ये नट है,
सकते हैं एडजस्टिव स्क्रू थ्रेड। जो ट्रेवल होता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो बड़ी बड़ी वृत्त बनानी होती है, बड़ा आर्क बनाना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रेवल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रेवल भी क्या होता है, हमारा मार्किंग टूल होता है। इसकी मदद से हम किसी भी जॉब पर क्या कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा आर्क बना सकते हैं, बड़ा सा बड़ा सर्कल बना सकते हैं। देखिए, ये हमारी दो हेड होती है, ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं, इसी पॉइंट की मदद से हम किसी भी जॉब पर मार्क करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। ये होता है हमारा लॉकिंग नट होता है। देखिए, ये जो होता है हेड, ये स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग समझ रहे हो ना, स्लाइडिंग यानी कि ये आगे पीछे खिसकता है, यानी कि हमें यहां पर बनानी है कोई सर्किल बनानी है तो हमारी सर्किल यहां पर रहेगी। मान लो बड़ी सर्किल बनानी है तो उस कंडीशन क्या करते हैं हम, इसको इस हेड को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसे आगे पीछे खिसका सकते हैं, जिससे कि क्या है, हम किसी बड़ी आर्क को भी बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रेवल होता है। ठीक है फ्रेंड, ट्रेवल के बारे में बात हो गई। अब क्या है हमारा अगला है स्क्राइबर। क्या है ये, देखिए, इसे ही स्क्राइबर कहते हैं। स्क्राइबर जो होता है, स्क्राइबर के भी बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन अभी हमें बस स्क्राइबर के बारे में जानना है। स्क्राइबर जो हमारा होता है, हमारा मार्किंग टूल होता है, जो कि किसका बना होता है, ये हमारा हाई कार्बन स्टील, किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील। हाई कार्बन स्टील जो टूल स्टील क्या होता है, वैसा स्टील जिससे कि टूल्स बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं, उससे स्टील को टूल स्टील कहा जाता है। तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील टूल स्टील का बना होता है। स्क्राइबर जो होता है, देखिए, ये इसका एक पॉइंट है ना, इसका पॉइंट, इसे पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसका एक सिरा नुकीला होता है, ठीक है, पॉइंट के शेप में होता है, और दूसरा सिरा क्या होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। ये जो हमारा स्क्राइबर है ना, ये तो हमारा बैंड स्क्राइबर है। कैसा स्क्राइबर है, बैंड स्क्राइबर है, यानी कि मुड़ी हुई स्क्राइबर, बैंड यानी कि मुड़ा हुआ। तो स्क्राइबर जो हमारा होता है, ये क्या करता है, किसी भी जॉब पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मार्क करता है। इसका हम क्या कर सकते हैं, मार्किंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात होगी, स्क्राइबर के बारे में बात होगी। अगला क्या है, अगला है हमारा स्क्रेच वॉल। स्क्रेच आर्म क्या होता है, ये हमारा है स्क्रेच आर्म, ठीक है, ये हमारा स्क्राइबर की तरह ही होता है। ठीक है, जिस तरह हम स्क्राइबर का इस्तेमाल किसी भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए करते हैं, उसी तरह स्क्राइबर जो हमारा होता है, सिंपली स्क्राइबर की तरह होता है, सॉरी स्क्रेच आर्म जो होता है स्क्राइबर की तरह होता है, और ये किसी भी जॉब पर मार्क करता है। ठीक है, ये हमारा स्क्रेच आर्म। अगला और लास्ट है हमारा कैलिपर। ठीक है, कैलिपर क्या होता है, आपको मैंने पिछली क्लास में कैलिपर बताया था। कैलिपर क्या होता है, कैलिपर ये हमारा क्या है, हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये हमारा अप्रत्यक्ष माप औजार है। इससे हम किसी भी जॉब का माप के माप को स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तो डिवाइडर के से बताया कि डिवाइडर क्या था, इससे हम किसी भी जॉब का माप लेते थे, उसकी डिस्टेंस, उसकी दूरी डिवाइडर करते थे, और उसके बाद स्टील रूल के ऊपर डिवाइडर को रख देते थे, जिससे कि उसका मेजरमेंट निकल जाता था। उसी तरह हमारा कैलिपर होता है। देखिए, ये है कैलिपर, देख रहे हो, इसे ही कैलिपर कहते हैं। आपको मैंने कैलिपर बताया था, कैलिपर, कैलिपर जो हमारा होता है दो टाइप का होता है, एक हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर होता है, एक हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होता है। बताया था, तो ये कौन सा कैलिपर है, ये हमारा है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। फर्म ज्वाइंट कैलिपर का मतलब क्या है, इसकी जो दोनों लेग है, इसका जो दोनों पैर है, एक पाइपेट के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, इसे ही फर्म ज्वाइंट कैलिपर कहते हैं। सारा कुछ बता चुकी हूँ। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर क्या होता है, जब हम लोग दोनों लेग को एक स्प्रिंग के द्वारा, यहाँ क्या होता है, स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, और
उसी को स्प्लिट इसका यहाँ पर जो होता है ना एक गोल शेप में होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं स्प्लिट जॉइंट कैलिपर कहते हैं। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि जो फर्म ज्वाइंट कैलिपर और स्प्लिट ज्वाइंट कैलिपर के बाद ये तो क्या है ज्वाइंट के अकॉर्डिंग ये जो इसके जो कैलिपर के जो प्रकार है ये जो कैलिपर के जो प्रकार है किसके अनुसार है इसके ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर दो प्रकार के होते हैं आपको मैंने ये बताया था। उसके बाद कैलिपर के टाइप्स कितने होते हैं तो मैंने आपको आउटसाइड कैलिपर इनसाइड कैलिपर और लेग कैलिपर के बारे में बोला था। आउटसाइड कैलिपर क्या था जब हम किसी भी देखो जब हम किसी भी जोक का बाहरी मापन करते हैं ये क्या है बाहरी मापन हो रहा है आउटसाइड मेजरमेंट हो रहा है तो ये कौन सा कैलिपर हमारा है ये हमारा आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर क्या था कि जब हम किसी भी मैं रफली बना रही हूँ ठीक है जब हम किसी भी जॉब का इंटरनल मेजरमेंट करते हैं ये क्या है इसका आंतरिक माप है ना आंतरिक माप तो जब इंटरनल मेजरमेंट करते हैं तो उस समय जिस कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं उसे इनसाइड कैलिपर कहते हैं। एक हमारा ऑड लेग कैलिपर तो जो ऑड लेग कैलिपर है यही है हमारा ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर में क्या था कि इसकी जो एक टांग होती है इसका जो एक पैर होता है वो सीधा होता है ठीक है और जो दूसरा पैर होता है ये मुड़ा हुआ होता है। इसे ही ऑड लेग कैलिपर लेग एंड पॉइंट कैलिपर और हॉर्मोफोड्राइट कैलिपर कहते हैं। आपको मैंने इसके तीन तीन नाम बताए थे ना ऑड लेग कैलिपर लेग एंड पॉइंट कैलिपर और हॉर्मोफोड्राइट कैलिपर अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो ये हमारा क्या है एक कैलिपर है। देखिए इसमें क्या करते हैं इसकी मान लो कि मुझे मार्क करना है ठीक है ये भी क्या एक मार्किंग टूल है और ये हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल भी है। इनडायरेक्ट जैसे कि मैंने बोला ये हमारा माप का यानी कि मेजरमेंट का ट्रांसफर करता है हम लोग किसी भी चीज से इसका मेजरमेंट ले लेते हैं और मेजरमेंट मान लो कि हमारे जॉब है उसका मुझे मेजरमेंट लेना है तो हम लोग क्या करेंगे इसका मेजरमेंट ले लेंगे इस तरह ठीक है और मेजरमेंट लेने के बाद इसकी दूरी भर लेंगे और दूरी भरने के बाद इसे स्किल रूल में रखकर इसका मेजरमेंट निकाल लेंगे ठीक है। ये हमारा एक मेजरिंग टूल भी है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है आप पढ़ते समाप्त हो जा रहे और साथ ही साथ हमारा ये मार्किंग टूल भी है ठीक है फ्रेंड। देखिए इसमें क्या करते हैं मान लो कि ये हमारा एक जॉब है ठीक है ये क्या है जॉब है इससे मुझे मेजरमेंट निकालना है मार्किंग करनी है तो ये हमारा जो लैग है ये जो इसका पैर है जो कि मोड़ा हुआ है इसमें क्या करते हैं इसको फंसा देते हैं ठीक है और इस पर देखो यहां इसको फंसा दिया हम लोगों ने फंसा दिया अब क्या करेंगे इस लैग की मदद से हम लोग इसमें मार्किंग करेंगे ठीक है क्या करेंगे इसके ऊपर मार्किंग करेंगे इस तरफ से। तो लगभग मैंने सारा कुछ बता चुकी हूँ कैलिपर के बारे में तो आप यहाँ ये ध्यान दे लेना कि जो हमारा कैलिपर होता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है हमारा मार्किंग टूल भी होता है ठीक है ये हमारा दोनों टूल होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या थे हमारे ये हमारे मार्किंग टूल थे। अगली क्लास में क्या करेंगे अगली क्लास में हैमरिंग टूल और कटिंग टूल के बारे में जानेंगे ये हैमरिंग टूल क्या होता है और कटिंग टूल क्या होता है। अगर आज की क्लास में अगर कहीं भी आपको दिक्कत आई हो समस्या आई हो समझने में ठीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।